इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। सनातन विरोधी को ऊपर प्रधानमंत्री का हल्ला बोल, पीएम कहिले विरोधी चाहूंचंती समाज रे विभाजन, सनातन प्रेमी को सतर्क रहिबा को पीएम का आह्वान। इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। मोदी को अटक परे बैकफुट रे डीएमके, इंडिया मेंट को घरिला हिंदू वोट हराइबा भय। सनातन विरोध रे बयानबाजी करुथवा नेतांकु मध्यप्रदेश रे मुह तोड़ जवाब दैछंती प्रधानमंत्री मोदी। बिनारे एक सभा को संबोधन करी विरोधी इंडिया मेंट को करिछंती जोरदार अटैक। पीएम कहिछंती समाज को भाग भाग करिबा को चाहूछंती विरोधी, संस्कृति ऊपर आक्रमण करिबा सेमानकर उद्देश्य। एथिपाई सब सनातन प्रेमी को सतर्क रहिबा को आह्वान दैछंती मोदी। जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। देश के कोने कोने में हर सनातनी को, इस देश को प्यार करने वाले को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वाले को, इस देश के कोटि कोटि जनों को प्यार करने वालों को, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। इंडिया मेंट को टारगेट करी पीएम कहिछंती, जो संस्कृति और परंपरा भारत को एकतार सूत्र रे बांधि रखी ताकू नष्ट करि देबाकू चक्रांत रचिछि खमंडिया मेंट। सनातन को समाप्त पाई षड्यंत्र करथुबा शक्ति को रोकिबा लागि एकाठी हेबाकू आह्वान दैछंती प्रधानमंत्री। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं जिस सनातन से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने मां भारती की स्वतंत्रता का बीड़ा उठाया, गणेश पूजा को स्वतंत्र आंदोलन से जोड़ा, सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा बढ़ाई। आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। प्रधानमंत्री का हमला पर बैकफुट रे विरोधी डीएमके नेता तथा तमिलनाडु सरकार रा मंत्री उदयनिधि स्टालिन का सनातन विरोधी बयान रु विवाद आरंभ होइतिबा बेले एबे तांका बापा तथा तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन निज दल कर्मी को सनातन विरोध में बयानबाजी न करने को सुनाई देती। तेबे सनातन विरोधी बयान को नहीं लोकों मध्य तेजुवा असंतोष को देखी इंडिया मेंटर नेता छानिया, एपरिक आगामी चार राज्य विधानसभा निर्वाचन में यह मेंट पर महंगा पड़पे आशंका कर डैमेज कंट्रोल आरंभ कर उद्यम। तेरे कथा एवं सेमंत्रण बाहर को चली जाइए जार फायदा उठाई अटैक को आहरी स्थानित करी बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।